हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस लेक्चर वी वांट टू स्टडी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। इन लास्ट वीडियो फ्रॉम 21 टू 34 जिसमें अपन ने देखा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ए एल्किल हैलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, देर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स, मैकेनिज्म, ये सब अपन ने डिटेल में स्टडी किया कंसर्निंग विद स्टेट बोर्ड सीईटी नीट एंड जेईई। तो अच्छे से रीड आउट करने का, उसको लिसन केयरफुली एंड मेक अ नोट्स बना के रखने का, दिस इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पहला चैप्टर जो अपना हैलोजन डेरिवेटिव, इट इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इसके ऊपर बाकी सभी चैप्टर्स डिपेंडेंट है, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इसकी नोट्स बना के रखने का। ओके, क्लियर। नाउ टूडे सेशन वी वांट टू स्टडी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलुबिलिटी, डेंसिटी, डायपोल मोमेंट, दैट इज कॉल्ड ए फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो पहला फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अपन, स्ट्रक्चर। तो सभी चैप्टर में अपन कॉमन पॉइंट लेंगे, तो स्ट्रक्चर ऑफ मिथिल क्लोराइड दैट इज CH3Cl। तो CH3Cl कैसे लिखते, लाइक दैट अपन ऐसे लिखेंगे, ये हो गया CH3 और ये Cl। Cl कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पता है अपने को, ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। तो ये डॉट और वेज फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं। तो अगर ये ऐसा लिखे अपन ने लाइक दैट, क्लियर। तो ये अगर डॉटेड डॉटेड लिया और ये हो गया समझो दूसरा जो पार्ट लेते हैं अपन, उसको अपन डार्क करते हैं लाइक दैट, तो ये हो गया वेज फॉर्मूला, डॉट एंड वेज फॉर्मूला। तो ये जैसा ये प्लेन पेपर है टू डायमेंशन, एक एच आ गया और एक एच यहाँ आ गया, दोनों भी ये ऊपर वाला एच और नीचे वाला एच, ये हो गया प्लेन में, क्लियर। तो ये जो डॉटेड वाला है ये ऊपर आ जाएगा और जो वेज वाला है वो नीचे आ जाएगा। तो ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री है, अपन ऐसा कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट अपन लाइक दैट, लाइक ये हो गया CH3Cl। तो यहाँ पर सभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो व्हाट हैपन दिस कार्बन एटम अंडर गो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो पहला स्ट्रक्चर लेंगे अपन मिथिल क्लोराइड का, तो इन दिस स्ट्रक्चर व्हाट हैपन, कार्बन अंडर गो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया, कार्बन अंडर गो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोलने के बाद में ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, दैट इज द टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, लेकिन बट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए सीएल, सीएल पर क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो ज्योमेट्री इज डिस्टर्ब, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सीएल द ज्योमेट्री इज डिस्टर्ब, दैट इज इट हैज डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कौन सी ज्योमेट्री बोलेंगे अपन, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, और वी कैन से पिरामिडल ज्योमेट्री। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेशन, क्लियर, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर पिरामिडल ज्योमेट्री, समझ में आ गया। यहाँ पर चार बॉन्ड है, तो इट अंडर गो व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सो इट मे हैव ए टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। लेकिन अपन 11th में देखा है नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में, इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर देन द ज्योमेट्री डिस्टर्ब अकॉर्डिंग टू द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी गिवन बाय द साइंटिस्ट जिलिप्स एंड म्यूलिकेन। तो यहां पर लोन पेयर होने की वजह से लोन पेयर क्या करेगा, ये बॉन्डिंग पेयर को रिपेल करेगा और बॉन्डिंग पेयर कम क्लोजर, सो ज्योमेट्री इज डिस्टर्ब, दैट इज कॉल्ड ए डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। उसके बाद में सेकंड पॉइंट लेंगे अपन स्टेट। तो यहां पर स्टेट में क्या आ जाएगा, लोअर मेंबर्स लाइक मिथिल क्लोराइड हो गया, ब्रोमाइड हो गया, आयोडाइड हो गया, या फिर C2H5Cl
etc. are gases. That is the lower members like methyl fluoride, chloride, bromide, iodide या फिर ethyl chloride are gases. लेकिन the members homologous member up to carbon number 18 are liquids. तो इसके बाद में 18 कार्बन एटम तक के लिक्विड्स एंड देन हायर मेंबर्स इसके ऊपर के जो भी हो गए दीज आर सॉलिड्स. हायर मेंबर्स आर सॉलिड, ये होगा स्टेट. अब उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट. बॉइलिंग पॉइंट, अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट अब यहां पर कंपेरेटिवली विथ अल्किल ले रहे अपन. द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस अल्किल हैलाइड हायर देन दैट ऑफ द करस्पॉन्डिंग अल्केन. क्योंकि यहां पर क्या ले रहे हैं अपन, सी एक्स बॉन्ड. क्लियर? तो अल्किल हैलाइड में सी एक्स बॉन्ड अपन ने देखा है ड्यू टू द लार्ज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस दिस सीएल अक्वायर पार्शियल निगेटिव चार्ज, कार्बन अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, सो दिस बॉन्ड बिकम ए पोलर बॉन्ड. क्लियर? पोलर बॉन्ड दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ ए पार्शियल चार्जेस, उसको पोलर बोलेंगे. पोलर होने की वजह से अट्रैक्टिव फोर्सेस इंक्रीजेस, सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर फॉर द सेपरेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल्स. लेकिन अल्केन में क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो यहां पर क्या है सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी. सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से दिस बॉन्ड बिकम्स वीकर देन दैट ऑफ द पोलर बॉन्ड. सो द बॉइलिंग पॉइंट दैट इज ख्याल में रखने का द इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्केन. सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज, बॉइलिंग पॉइंट इज हायर देन करस्पॉन्डिंग अल्केन. The boiling point of alkyl halide is higher than that of the corresponding alkane. And methane के साथ में methyl chloride, ethane के साथ में ethyl chloride, bromide, like that. उसको corresponding बोलेंगे अपन. What is the reason? Because in alkyl halide, the C dash X bond is polar. C dash X bond is polar bond. Clear? तो ये हो गया about पहला point. Boiling point of alkyl halide is higher than corresponding alkane because in alkyl halide C dash X bond is polar. So more amount of energy is required for the breaking of a bond. Clear? उसके बाद में order. The boiling point of alkyl halide is directly proportional to the molar mass. जैसा फॉर एग्जाम्पल C3H7 इज मोर देन प्रोपिल इज मोर देन इथिल हैलाइड इज मोर देन दैट इज द मिथिल हैलाइड. What is the reason? Because as the molar mass increases, van der Waal forces of attraction increases. समझ में आ गया? As the molar mass increases या फिर एटॉमिक साइज मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, मोलर मास भी बोल सकते हैं या फिर यहां पर अपन मॉलिक्यूलर साइज भी ले सकते हैं. एज द मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस द वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस. तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी अपन ने केमिकल बॉन्डिंग में स्टडी किया था. दैट इज दीज आर द वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. क्लियर? तो यहां मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस, वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. इसलिए प्रोपिल हैलाइड हैविंग ए मोर बॉइलिंग पॉइंट देन इथिल देन दैट ऑफ द
मिथिल हैलाइड। तो ये पॉइंट याद रखने का, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, लेकिन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्किल हैलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उतना बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसका मतलब दैट इज द यंग ब्यूटिल हैलाइड हैविंग ए मोर बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ द आइसो ब्यूटिल हैलाइड देन दैट ऑफ द सेकेंडरी ब्यूटिल हैलाइड इज मोर देन दैट ऑफ द टर्शरी ब्यूटिल हैलाइड। क्लियर? तो प्राइमरी में एक ही ब्रांच आ जाएगी, सेकेंडरी में ब्रांचेस इंक्रीजेस, टर्शरी में भी ब्रांचेस इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिक्रीजेस। व्हाट इज द रीजन? तो क्या हो जाएगा? एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, तो व्हाट हैपन? अब यहां पर CH3 Br लेंगे, दूसरे इसमें समझो CH3 CH2 Br लेंगे, ये हो गया टर्शरी मोर ब्रांचिंग, ये हो गया प्राइमरी लेस ब्रांचिंग। तो एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया क्या होगा? डिक्रीज होगा। सरफेस एरिया अगर डिक्रीज हो गया तो वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएंगे, सो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड्स एंड दस द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। समझ में आ गया? तो यहां पर एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस व्हाट हैपन? सरफेस एरिया डिक्रीजेस एंड हेंस वैंडरवाल्स फोर्सेस डिक्रीजेस। क्लियर? तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती जाएगा वैसा वैसा सरफेस एरिया कम कम होते जाएगा, सरफेस एरिया कम हो गया तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो गया तो लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ब्रेकिंग द बॉन्ड, तो एंथैल्पी डिक्रीजेस। तो ये होगा अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? तो अल्किल हैलाइड हैविंग हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग अल्केन, एक रीजन। दूसरा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, और तीसरा पॉइंट दैट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किल हैलाइड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन, सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी इन वॉटर। तो अल्किल हैलाइड क्या जाएगा फिर? अल्किल हैलाइड आर इनसोलुबल इन वॉटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वॉटर। अल्कोहल आर रेडिली सोलुबल इन वॉटर, अल्कोहल में देखेंगे अपन, अल्कोहल आर रेडिली सोलुबल इन वॉटर बिकॉज अल्कोहल फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वॉटर लाइक दैट। तो ये हो गया वॉटर मॉलिक्यूल, ये हो गया अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो यहां पर निगेटिव है, यहां पर पॉजिटिव आ जाएगा, एच पर पॉजिटिव, ओ पर निगेटिव लार्जर इलेक्ट्रॉन, और ये पॉजिटिव और निगेटिव फॉर्मेशन ऑफ ए हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल में डिटेल में देखेंगे, वैसे भी अपन ने इसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में डिटेल में स्टडी किया हुआ है। तो अल्किल हैलाइड्स आर इनसोलुबल इन वॉटर, इनसोलुबल इन वॉटर, व्हाट इज द रीजन? रीजन बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वॉटर। ख्याल में रखने का, अल्किल हैलाइड्स आर इनसोलुबल इन वॉटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वॉटर। तो सोलुबिलिटी के लिए नंबर ऑफ द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, तो ऑर्गेनिक में जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सोलुबल इन वॉटर बिकॉज दे फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द वॉटर। क्लियर? तो ये जनरल वन ऑफ द रीजन, नॉट 100%। क्लियर? उसके बाद में इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर सोलुबल इन वॉटर बिकॉज ऑफ सॉल्वेशन, सॉल्वेशन की वजह से होता है। तो आगे उसके बाद स्टेप देखेंगे, बट
chlorophyll halides are soluble in organic solvent mein ye soluble hai, like CCl4, carbon tetrachloride, ether, chloroform, etc. इसमें ये soluble है, clear? अब उसके बाद में नेक्स्ट वन देखेंगे अपन, नेचर इज इट एसिडिक और बेसिक इन नेचर. तो जनरली अल्किल हैलाइड्स आर न्यूट्रल, दे डू नॉट शो एनी इफेक्ट ऑन ए पीएच, पेपर लिटमस पेपर, पता है ना अपने को. उसके बाद में डेंसिटी देखे अपन, तो डेंसिटी दैट इज द डेंसिटी ऑफ अल्किल हैलाइड, ऑर्डर ऑफ डेंसिटी ऑफ अल्किल हैलाइड आर एक्स. तो क्या जाएगा यहां पर, अल्किल आयोडाइड इज मोर देन अल्किल ब्रोमाइड, इज मोर देन अल्किल क्लोराइड, इज मोर देन अल्किल फ्लोराइड, वेयर आर इज सेम. अल्किल ग्रुप सेम चाहिए, क्लियर? तो मिथिल आयोडाइड हैविंग ए मोर डेंसिटी देन मिथिल ब्रोमाइड देन देन मिथिल क्लोराइड देन मिथिल फ्लोराइड, क्लियर? बिकॉज द डेंसिटी अपने को पता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या जाएगा फिर, मास अपॉन वॉल्यूम. तो यह दैट इज द मास ऑफ हेलोजन एटम इंक्रीजेस, एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन इज मोर देन ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन. तो ये हो गया आंसर ऑफ डेंसिटी. उसके बाद में अगेन फॉर JEE या फिर नीट के लिए याद रखने का, JEE और नीट दैट इज कॉल्ड ए डायपोल मोमेंट. अब डायपोल मोमेंट क्या होता है ये भी अपन ने इसके पहले स्टडी किया, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड दैट इज द परमानेंट पोलराइजेशन. परमानेंट पोलराइजेशन दैट इज द सेपरेशन ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, दैट इज कॉल्ड ए डायपोल मोमेंट पोलराइजेशन. तो ये कैसे निकालना ये भी अपन ने फार्मूला लिखा था अपन ने, दैट इज. तो अब डायपोल मोमेंट क्या हो जाए, अल्किल हैलाइड्स आर पोलर, अल्किल हैलाइड्स आर पोलर, सो दे शोज सम डायपोल मोमेंट, दे शोज दम सम डायपोल मोमेंट. तो डायपोल मोमेंट जितना ज्यादा सेपरेशन उतनी डायपोल मोमेंट ज्यादा होगी, और डायपोल मोमेंट अपन ने देखा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, एंड ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर बोलेंगे, या फिर डायपोल मोमेंट ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग पावर, या फिर वी कैन से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी डिपेंडेंट है. तो यहां पर क्या जाएगा फिर, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन, इज मोर देन ब्रोमीन, इज मोर देन आयोडीन, क्लियर? तो ख्याल में रखने का, अपन ने 11th में देखा इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ए क्लोरीन इज मोर. तो क्या जाएगा फिर यहां पर डायपोल मोमेंट, व्हाट इज द ऑर्डर हियर, तो क्या जाएगा फिर, मिथिल क्लोराइड इज मोर देन मिथिल फ्लोराइड, इज मोर देन मिथिल ब्रोमाइड, इज मोर देन मिथिल आयोडाइड. तो मिथिल क्लोराइड की डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा रहेगी, दैट ऑफ मिथिल फ्लोराइड. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, क्लियर? तो ये होगा अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए अल्किल हैलाइड. तो यहां पर अपन ने नंबर ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा, तो ये नंबर याद रखने का, आईसी अपन सभी जगह स्टडी करेंगे, सभी चैप्टर में पहला स्ट्रक्चर, देन स्टेट, उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट. तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए ख्याल में रखने का, फॉर ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड नियर अबाउट बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, क्लियर? वे फिर द बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ब्रांचिंग, क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट वन दैट इज सोलुबिलिटी, दो दे आर पोलर इन नेचर, दे आर इनसोलुबल इन वॉटर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म ए हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वॉटर, क्लियर? और उसके बाद में डेंसिटी, एज द
the atomic size of a halogen atom increases, density increases. तो एटॉमिक साइज अपने को पता है, एटॉमिक साइज क्या आ जाएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इंक्रीजेस. तो व्हाट हैपन हियर, फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन, ब्रोमीन इज लेस देन आयोडीन, आयोडीन की सबसे ज्यादा रहेगी, सो डेंसिटी भी क्या रहेगी, अल्किल हैलाइड के ज्यादा रहेगी. और डायपोल मोमेंट आर दर, दिस इज द एक्सेप्शनल केस, नॉट ए मिथिल फ्लोराइड, मिथिल क्लोराइड इज मोर देन मिथिल फ्लोराइड. तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर. तो ये होगा अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर रिएक्शंस ऑफ एल्किल हैलाइड या फिर कन्वर्शन ऑफ ए वन होमोलोगस सीरीज इनटू होमोलोगस सीरीज. क्लियर, ओके, थैंक यू.